देखिए, एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन के बीच में जो अंतर है वो मात्र 30 सीटों को का ही है। और इस जनादेश को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि जनता ने भाजपा को एक नैतिक हार दी है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो स्वयं वाराणसी में कई राउंड में पीछे चल रहे थे। अंत में उनकी जीत निश्चय ही हुई, लेकिन इस जीत में जीत का मजा नहीं है। और उनके लोकसभा क्षेत्र के आसपास जितने भी लोकसभा और अन्य क्षेत्र हैं, उन सभी में भाजपा हारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो निर्वाचन के शुरुआत में 400 पार का आंकड़ा दे रहे थे, आज उनको देश की जो ये आवाज है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और देश के जो अपेक्षा है कि अब भड़कावे की राजनीति नहीं, अहंकार की राजनीति नहीं, व्यक्तिगत छवि की राजनीति नहीं, वास्तविक रूप से देश में जो समस्याएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, इन समस्याओं पर यह सरकार काम करे। इस सरकार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ जेडीयू और टीडीपी हैं। निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बहुत झूठ फैलाया। मैं आशा करूंगा कि वो टीडीपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ें। सरकार को ज्यादा दिन अभी तक हुए ही नहीं और जेडीयू अग्निवीर की रवैये पर पुनर्सोच की मांग कर रही है। यूसीसी को लेकर आज सरकार के स्वर में स्वर मिलाकर बात नहीं कर रही। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में वो खूबियां हैं कि विभिन्न दलों के नेताओं की बात सुने, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे परामर्श लें? मुझे नहीं लगता, और इसीलिए शायद मेरे दल के कुछ राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों ने इस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पर विभिन्न प्रश्न उठाए हैं। इस साल के शुरुआत में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत असम में लगभग 7 दिन आए, और सभी को पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी ने एक साफ संदेश दिया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और उसी का परिणाम हमने असम के निर्वाचन में देखा। लोगों ने मौलाना अजमल साहब के नफरत की राजनीति को खत्म किया, और लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की नफरत की राजनीति को खत्म किया। तो यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था पूरे देश भर में, असम में, कि हमें नफरत और अहंकार को मिटाना है, और नफरत और अहंकार के खिलाफ आज लोगों ने वोट डाला।